मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1900 वचन से 34 तक पढ़ेंगे, 19 to 34 तक पढ़ेंगे और उस पर हम मनन करेंगे। मत्ती 6:19 से, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न कत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रिय भाई बहनों, इन वचनों में हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर हमें जानते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो भी जरूरत है इस दुनिया में रहने का समय में, सब कुछ पूरा करने के लिए कई वायदाएं प्रभु दिया है, फिर भी मनुष्य का मन ऐसे बार बार उदास हो जाता है। कब मेरा एक गट्टी पूरा हो जाएगा, कब इस पैसा की समस्या से, इस कर्जा से मैं कब बाहर आऊंगा करके, कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाता है तो मनुष्य का दिल डर जाता है और बेचैन हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है। लेकिन अविश्वासी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए दूसरे दूसरी एक रास्ता है। प्रभु बोल रहा है, तुम जो भी धन के विषय में तुम्हारा नजरिया सही रीति से रखो। धन कमाने के लिए सब लोग धन कमाते हैं, क्योंकि धन चाहिए, पैसे के बगैर कोई भी हम खरीद नहीं सकते हैं। कोई भी आशीष है इस दुनिया में, कुछ हमको खरीदना है, अनुभव करना है, पैसे की जरूरत है, प्रभु वो जानते हैं। इसलिए सब लोग पैसा कमाने के लिए हम सब दिन भर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा धन
स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि हमको मालूम है, दुनिया वालों को मालूम नहीं, अविश्वासी लोगों को मालूम नहीं मृत्यु के बाद में कहाँ जा रहे हैं। वो लोग को कुछ आशा नहीं है, कुछ उनका अंक में उजाला नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा आंखों में उजाला दिया गया, हमारा मन की आंखों को प्रकाशित किया गया। एफिसियों का पत्री में पौलुस लिखा है, हमारा मन की आंखों को प्रभु प्रकाश करते रहता है, प्रकाश देते रहते हैं, एक अच्छी नजरिया से हम चीजों को देख सकते हैं। वो लोग जैसे नहीं है, हमको मालूम है, हम ये हमारा ये पृथ्वी हमारा निरंतर रहने वाला स्थान नहीं है, हम परदेशी है, इधर हमारा खुद का भवन स्वर्ग में है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, तुम सच्चे नजरिया से एक एक चीज को देखो, एक एक दिन को तुम्हारा नजरिया पर्सपेक्टिव अच्छी रीति से देखो, देख कर तुम चुन लो किसको सेवकाई करना है, पैसा को सेवकाई करना है नहीं तो परमेश्वर को सेवकाई करना है। सेवकाई मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सेवकाई फुल टाइम सेवकाई में आ जाना करके, ऐसे चुन लो करके मैंने वो नहीं बोल रही हूं। प्रिय भाई बहनों, चुनना मतलब जो भी हम निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में, रोज रोज हम सामना करते हैं कई परिस्थितियों को, उस समय में हमको चुनना चाहिए कौन सा चीज बड़ा है, परमेश्वर नहीं तो इस दुनिया का चीज है, दुनिया का धन क्यों कौन बड़ा है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, मुख्य बात है, कौन सा चीज निरंतर रहने वाला है। पैसे के बारे में हम सबको मालूम है वो निरंतर नहीं है, पैसा काम आता है, बहुत काम आता है, वो नहीं बोलती हूँ, पैसा का आशीष बहुत अच्छा आशीष है, वो प्रभु चाहते हैं हमारे लिए सब वायदा किया है, लेकिन पैसा बदल जाता है, पैसा का बिगड़ जाता है। कभी भी ये कोरोना वायरस आया तो कितने कंपनियों का शेयर मार्केट ऐसे गिर गया, कितने करोड़ों रुपया कोई दो तीन दिन में ही वो लोग को पूरा नष्ट हो गया। विशेष करके जो जहाज जो एरोप्लेन कंपनीज है, क्योंकि वो कोरोना वायरस के द्वारा विदेश में जाने के लिए भी बंद हो गया यात्रा, प्लेन में जाना और अंदर भी इंडिया का अंदर भी इधर से एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाने का वो भी बंद हो गया था कई महीना में। कितने जो मालिक लोग उधर जो प्लेन खरीद के रखे ये बिजनेस में थे, वो लोग कितने करोड़ों रुपया वो लोग को नष्ट हुआ। पैसा कभी निरंतर नहीं है, कितना ज्यादा हमारा अकाउंट में रहेगा तो भी हम उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए लायक नहीं है। पैसा ऐसा चीज है कभी भी वो हमसे जा सकता है, लेकिन परमेश्वर निरंतर है, परमेश्वर का प्रेम निरंतर है। वही हम लास्ट ये वचन में हम देखते हैं, छह अध्याय में हम 33 मतलब 33 वचन में देखिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का धार्मिकता क्या है, परमेश्वर का राज्य का खोज मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए पहले स्थान दे दो। परमेश्वर कोई कोई देने के बारे में ऐसे सोचते हैं, पैसा प्रभु के लिए देने के दान देने के बारे में ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर के लिए जरूरत है इसलिए हम देना है। परमेश्वर का वचन कहता है पुराने नियम में, परमेश्वर बोलता है पृथ्वी सारे पृथ्वी उसमें जो जो भरे हुए चीजें हैं सब मेरा है, मैं भूखा रहेगा तो तुमसे नहीं बोलूंगा। मतलब क्या, परमेश्वर भूखा रहने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम देगा तब मेरा जरूरत पूरा होगा करके कुछ ऐसा नहीं है, तुम पैसा दोगे तब मेरा जरूरत पूरा होगा करके कुछ ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे सोचते हैं चर्च में, ऐसे इंतजार करते हैं कोई कोई विश्वासी लोग, ये मुझे चर्च में पास्टर अनाउंस करना चाहिए, कलीसिया के लिए ये चाहिए, खरीदना पड़ता है अभी, ये प्रोग्राम के लिए कितना पैसा है चाहिए, इसलिए आप दे दीजिए करके जब बोलेंगे तब अपना पर्स खोल के देंगे। यही सही रीति नहीं है, देने का सही रीति नहीं है। प्रिय भाई बहन, कोई जरूरत आता है तब हम देना है, यही परमेश्वर का आइडिया ही नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पहले तैयार करके रख दिया है, जब हम देते हैं। और दूसरा भी एक विचार है, जब हम परमेश्वर को हम देंगे तब वो हमारे लिए आशीष देंगे, हम नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छा से समझ लीजिए, परमेश्वर
आदम को बनाने के पहले सब कुछ उसके लिए जो भी जरूरत का पहले से बना के रख चुके थे, आदम को बाद में बनाया। वो उसका क्या है, वो बनाने का जरूरत नहीं कुछ, वो केवल उसको अनुभव करना है। परमेश्वर जो रखे गए उसको खाकर अनुभव करना है, मजा लेना है, वही परमेश्वर का तरीका है। क्रूस में हमारे लिए परमेश्वर परमपिता परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को देखकर हमारे जो भी आशीष की जरूरत है, पैसा हो, आरोग्यता हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, आनंद, शांति, पवित्रता, सब प्रभु यीशु मसीह का अंदर बना के रख दिया है। क्रूस में उसको बलिदान बनाकर पिता परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए तैयार कर रखे हैं। अभी परमेश्वर हमारे लिए देने के लिए कुछ नहीं, वो सब कुछ तैयार करके रखे हैं, लेकिन लेना हमारा ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा हम क्या करना है, विश्वास से उसको लेना है। परमेश्वर का परमेश्वर के आशीषों को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, पैसे के आशीष को भी, कोई भी आशीष को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, रोज के लिए जो जो जरूरत है हम कैसे उसको परमेश्वर से पा सकते हैं। फिर ये भाई बहनों हमारा काम है, हम परमेश्वर को पर विश्वास करते हुए हमको परमेश्वर जो दिया है उसमें से खुशी खुशी से हम देना है। प्रभु हम देने का समय में हम ये बताते हैं, प्रभु ये जो मैं अभी कमा के अभी ऐसे सोचिए, महीना में पूरा महीना आप काम किया, अगले महीना पहले हफ्ता आपको कमाई मिला, उसको हाथ में रख के अब सोचेंगे तो वो कमाई से पूरा आने वाला महीना का खर्चा को निभा नहीं सकते हैं। ऐसे वो सोचिए, ऐसे कभी कभी अलग अलग परिस्थिति उठ जाता है, अलग अलग खर्चा आ जाता है। आप लोग आप ऐसे सोचना चाहिए, प्रभु ये कमाई कमाने का ये कमाने के लिए आपने मदद किया, मैं विश्वास करता हूँ, ये पैसा को ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ये कमाई जो मैं लेके आया हूँ ये मेरा सारे जरूरतों को पूरा करेगा करके मैं विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि लेकिन मैं आपके ऊपर मैं आपकी ओर में देखता हूँ। प्रभु आप ही हमारा सारे जरूरतों को पूरा करने वाला है, आप हमारा श्रोता है, कोई भी समस्या कोई भी जरूरत आएगा इस पूरा महीना में उसको पूरा करने के लिए आपकी ओर से मुझे मदद मिलता है। ये पैसों को प्रभु उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कमाते हैं उससे भी बढ़कर खर्चा आ जाता है, तब क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर देखना है। उस विश्वास के साथ हम प्रभु जो हम कमाया है उसमें से कुछ भाग को हम प्रभु के हाथ में हम देते हैं, दान देते हैं। वो क्या दिखाता है, हम ध्यान दान देंगे उसके बाद में परमेश्वर एक बटन को दबाएंगे उधर से हमको आता है, ऐसा नहीं है। जब हम दान देते हैं परमेश्वर को ऊपर विश्वास करते हुए, प्रभु आप ही मेरा श्रोता हो, आप मेरे लिए सारे जरूरतों को पूरा करने वाला आप हो करके हम उस विचार के साथ, आप मेरे लिए सब कुछ कर चुके हैं, यीशु मसीह के अंदर सब आशीष है, उसको पाने के लिए मुझे तरीका बताइए, ज्ञान बताइए। आप बताने वाला वही है, तरीका बताने वाला वही आप ही है, ज्ञान देने वाला आप ही है, इस पैसा को भी कैसे खर्चा करना है, प्लान करना है, वो ज्ञान आपसे मिलता है। जो भी बाकी जरूरत जो आएगा उसको भी पूरा करने के लिए आपकी ओर से मुझे मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, स्वर्गीय राज्य को दे, परमेश्वर का राज्य को हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक भाई परमेश्वर के बच्चों का अंदर प्रभु बनाते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का राज्य के खोज में रहो, पहले उसका धार्मिकता का खोज में रहो, उसका धार्मिकता काफी है हमारे लिए। हमारा जो भी जरूरत है वो यीशु मसीह हमारे लिए कमा के रखा हुआ वो धार्मिकता हमारे लिए काफी है। और जैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करते रहते हैं, पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हैं, जिसको मिलना है हमको क्या क्या काम करना है, किस किस पे हमारा हाथ डालना है, तब हमारा पैसा आएगा, हम कमा सकते हैं पैसा। वो सब अगुवाई पवित्र आत्मा जैसे हमें अगुवाई करते हैं, उस अगुवाई के अनुसार हम चलते रहेंगे, उसके खोज में हम रहते रहेंगे, तब प्रभु हमें अच्छा से चलाएंगे, जहां जाएगा और जिस व्यक्ति से मिलना है, हमारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसके साथ कांटेक्ट होना है,
क्या क्या हमको करना गया, क्या क्या बदलाव करना गया, कहाँ कहाँ जाना गया, क्या क्या करना गया, ये सब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें अगुवाई करेंगे। तब परमेश्वर हमारा जो श्रोता है सही जगह पर हमें अगुवाई करेंगे जहां वो हमारे लिए रखा है। वही एलिया का कहानी को हम एक बार, मैं एक बार एक सेवक का संदेश सुना रही थी। वो बोल रहा था एलिया को प्रभु ने बता दिया, अकाल पड़ रहा था पूरा देश में, एलिया को प्रभु ने बोल दिया तुम जाओ केरीत करके एक श्रोता है, उस जगह में तुम जाके उधर एक गुफा है उधर रखो, मैं कौवों को मैं पहले से आज देश दे चुका हूं, वो आके तुम्हारे लिए खाना देने के लिए। इधर देखिए प्रिय भाई बहन, एलिया को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, तुम जाओ केरीत श्रोता के पास, उधर तुम्हारे लिए कौवा आके खाना खिलाने के लिए मैं पहले से आदेश दे चुका हूं। शायद ऐसे सोचिए एलिया पवित्र आत्मा का अगुवाई को तुच्छ गिनकर, नहीं मैं कुछ उधर क्यों जाना है, मुझे इधर ही प्रभु दे दो, मैं इधर ही रहूंगा, आपके अगुवाई के अनुसार मैं नहीं चलूंगा करके उधर ही रहता होता तो भी कौवा को तो पहले आदेश मिल गया है। कौवा तो उधर वो गुफा के पास रोज दो बार आके खाना रख के जाते रहता, वो तो रख के जाते रहता, वो खाने वाला गया नहीं है, नहीं है, एलिया उधर गया नहीं है, उसके लिए कुछ परवाह नहीं है क्योंकि पहले से प्रभु उसको ऑर्डर दे दिया कौवों को, तुम जाओ जाकर उधर करके करो करके, तो वो तो करके रख के जाएगा उधर खाने के लिए कोई नहीं है तो भी एलिया लेकिन जाना चाहिए। एलिया गए और पूरा वो कौवा का खाना वो खाए, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार वो चला, इसलिए वो उसका सारी जरूरत पूर्ति हो गया, अकाल के समय में भी पूर्ति हो गया। वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखे हैं, जब हम दान देते हैं तब वो उसके लिए रिस्पॉन्स उसके लिए बदले, वो तुरंत स्वर्गीय दूतों को बोलेगा ठीक है वो दान डाल दिया तुम अभी उसके लिए जो जरूरत लेके दे दो करके, ऐसे कोई नहीं बोलता है। पहले से पिता सब कुछ हमारे लिए बना के रखे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर का पवित्र आत्मा हमें राज्य करते हैं चलाते हैं, उसको हम खोज उसके खोज में हम रहते रहेंगे, जो प्रभु हमारे लिए बना के रखा गया, प्रभु का धार्मिकता हमारे लिए जो भी जरूरत है उसमें गए, क्रूस में बना के रखा गया अनुग्रह सब कुछ, उसको हम उसका खोज में हम रहते हुए उसके ऊपर भरोसा रखते हुए हम जाते रहेंगे, जगह जगह हमारे लिए जरूरत के लिए हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए जो जो जगह में प्रभु हमारे लिए पैसे रखेंगे वो सब हमारे पास आएगा, हम अनुभव कर पाएंगे। यही है देने का फंडा, ऐसे हम नहीं सोचना चाहिए जब जरूरत आएगा तब देने का है, नहीं तो हम जब देते हैं तब प्रभु भी एक बटन दबाता है हमारे लिए आता है, ऐसे हम नहीं सोचने का है। प्रभु जो देने वालों के लिए 100 गुना वापस इस पृथ्वी में भी देते हैं और उधर भी स्वर्गीय राज्य में भी जो जो देते हैं उसको उधर भी इकट्ठा हो जाता है, खजाना इकट्ठा हो जाता है। वही प्रभु बोलते हैं अच्छी एक नजरिया, तुम्हारा नजरिया को देख बदलो, देने के बारे में तुम्हारा नजरिया को बदलो करके प्रभु हमें सिखाते हैं। मैं एक छोटा सा एक एनिमेशन मूवी वो देख रही थी उधर बच्चे लोगों का जो एनिमेशन मूवी, उसमें एक रोबोट था और रोबोट को क्या है एक जगह को क्लीन करने के लिए वो लोग भविष्य के बारे में वो लोग सोच के ऐसे लिया गया वो मूवी, भविष्य में बहुत बम फूटते हुए ऐसे हवा अच्छा नहीं है, ऐसे बड़े बीमारी आएगा, इसलिए लोगों को इस पृथ्वी में रहने का नहीं लायक होगा, इसलिए वो लोग उस कहानी में ऐसे लिया, वो लोग ऊपर एक स्पेस में मतलब आकाश में एक ऐसे भवन बना के उधर वो सब लोग उधर चला गया, केवल एक रोबोट को छोड़ के गए, और रोबोट क्या पृथ्वी में जो जो गंदा गंदा है सबको वो क्लीन करते जाता था, वो कहानी में ऐसे था। वो क्या करता था वो रोबोट, कभी कभी उसका कुछ इंटरेस्ट रहता तो कुछ चीजों बहुत कीमती ऐसे सोचती है तो वो रोबोट क्या करता था वो उसको लेके जो जिस जगह में वो रोबोट हमेशा काम खत्म करके रहता है उस जगह में लेके इकट्ठा करता था। मैं एक बार देखी वो क्या गया एक अंगूठी एक हीरा हीरा का एक अंगूठी को लिया था वो रोबोट, वो ऐसे थोड़ा समय देखा फिर देखा
मैं देखी उसमें क्या वो करती है वो मूवी में, वो हीरा को निकाल दिया, हीरा को निकाल के फेंक दिया, वो बड़ा हीरा था, हीरा उसको ऐसे मूल्य नहीं लगा, उसका मन में ऐसा गया, वो हीरा को निकाल के फेंक दिया, वो हीरा के बगैर जो है वो अंगूठी उसको लेके इतना कीमती करके सोच के अपना जगह में रख दिया। यही कई मसीलो करते हैं, हमारा नजरिया जो कीमती चीजें हैं उसको हम तुच्छ गिनते हैं, प्रभु के देने के बारे में कितने बड़े लोग धनवान लोग भी कितना कमाते हैं फिर भी इस नजरिया नहीं है उसको, ये पर्सपेक्टिव नहीं है, वो लोग उसको परमेश्वर के लिए देने के बारे में वो लोग वो तुच्छ गिनते हैं, वो सेवक लोग खाते हैं करके सोचते हैं, सेवक लोग ये खा लिया वो खा लिया, पैसे इतना पैसा खा लिया उतना पैसा खा लिया करके कहीं यूट्यूब में भी कितना कंप्लेंट कोई कोई लोग लिखते हैं, ऐसे लोग कभी परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग जब जाके पूछिए, ऐसे लोग कुछ भी परमेश्वर का राज्य के लिए नहीं देते, वो लोग के लिए स्वर्गीय राज्य में वो लोग जाएंगे तो भी उधर वो लोग के लिए कुछ भी खजाना नहीं रहेगा, प्रिय भाई बहन। लेकिन गरीब लोगों को देखिए, एक वो सेवक वही बता रहा है, गरीब लोग मकदुनिया देशवासी लोग जो बाइबल में लिखा है पौलुस पे, हम ध्यान भी किए पहले कुरिन्थी कलीसिया के लिए लिखा है, मकदुनिया देशवासी बहुत गरीब लोग थे फिर भी वो लोग इतना खुशी खुशी से ज्यादा दिया, जो वो लोग से हो सकता उससे भी ज्यादा दिया। ऐसे ही विधवा के बारे में यीशु मसीह बोला, दो तंबड़ी उसको पूरा पूरा दे दिया। वो सेवक बोलता रहा है सच में दुनिया में जो थोड़ा कमाते हैं थोड़ा रखता है उसमें से जो दशांश देते हैं उसमें सचमुच में ज्यादा टक्का देते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा है उसमें से भी वो देते हैं। लेकिन बड़ा बड़े धनवान लोग का कई कई लाखों लोग कमाने वाला 1000 रुपया देते हैं, प्रभु हमेशा कुछ दूसरा फार्मूला डालते हैं, हमारा जैसे नहीं देखता है, हम देखते हैं 1000 रुपया डाला, वो विधवा ने 2 रुपया डाला, 2 रुपया 1000 रुपया, प्रभु ऐसे देखते नहीं कितना कितने से वो देती है, उसका मनोभावना क्या है, मनोभावना उसका नजरिया कैसा है। कई गरीब लोग कलीसिया में मैं देखती हूँ, धनवान लोगों से ज्यादा मसीह समाज में गरीब लोग ही गरीब विश्वासी भाई बहन ज्यादा देते हैं। स्वर्ग राज्य में हम जाएंगे कितना आश्चर्य हो जाएंगे, ऐसे वो लोग के लिए कितना प्रतिफल प्रभु देंगे, खजाना वो लोग ही बहुत बड़ा बड़ा खजाना वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। प्रिय भाई बहनों ये सब अच्छा से समझ लीजिए, हमारा नजरिया को हम बदलना चाहिए देने के बारे में, हम देंगे इस देना देंगे तो प्रभु देंगे ऐसा नहीं, प्रभु पहले से हमारे लिए सब कुछ जरूरत को प्रभु तैयार करके रख दिएंगे, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा स्वर्ग राज्य को ढूंढते हुए उसका धार्मिकता को ढूंढते हुए हम आगे जाएंगे, जरूर हमको मिलेगा। पक्षियों को देखो करके प्रभु ने बोला इस बाग में, पक्षियों के बारे में देखिए, पक्षियों को कुछ काटना नहीं बोना नहीं कलिगान में इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन उसको भी सब कुछ परमेश्वर पूरा करते हैं, लेकिन वो अपना घोसला में ऐसे बैठते नहीं रहते हैं, जैसे परमेश्वर उसको अगुवाई करते हैं इधर उधर उठते हैं इधर उधर चलते हैं, खाना मिलता है उसको, परमेश्वर उसको अगुवाई करते हैं, उसको रोज का पेट भर जाता है। वैसे कौवा के बच्चों लोग पुकारेंगे तो परमेश्वर उसको खाना खिलाते हैं करके परमेश्वर का वचन में लिखा है कौवा का बच्चे लोग हौसला में रहेंगे, वो अभी उड़ने के लिए सीखा नहीं है, वो हौसला में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कौवा का बच्चे लोगों के लिए कौन खाना लेके देता है, माँ कौवा उसको लेके देता है, लेकिन उस मम्मी कौवा को कौन चलाते हैं, वो इधर उधर परमेश्वर का अगुवाई से इधर उधर उड़ती है खाना लेके आके अपना कौवा को बच्चों को खिलाते हैं, उसको भी परमेश्वर खिलाते हैं। इसका मतलब क्या, पक्षियों को देखना है, परमेश्वर उनका अंदर अगुवाई करते हैं, वो लोग जहां जाना है जहां खाना मिलता है उड़ता है ढूंढता है खाता है, वैसे हमारे जीवन में भी हमके लिए पक्षियों के लिए कोई तैयार पहले से है, वो तैयार नहीं कर रहा है, वो कुकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए भी सब कुछ तैयार करके रखे हैं। हम यही विचार में रहना है, प्रभु जो मैं कमाता हूँ जो पैसा मेरे लिए आप दिए मेरे हाथ में दिया गया उसका ऊपर मैं भरोसा नहीं रख रहा हूँ, मेरा आंख पूरा आपकी ओर भरोसा, मेरा भरोसा पूरा आपकी ओर गए, इसलिए मैं मेरे पास कितना भी हो
उसमें से मैं एक भाग लेकर आपके पास में दान में मैं दान देता हूं प्रभु, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आप मेरा सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले ही से तैयार करके रखे हैं, उसको उसके पास पहुंचने के लिए मुझे अगुवाई कीजिए, उसको पाने के लिए मुझे अगुवाई कीजिए, आपके बात मानने के लिए मुझे अगुवाई कीजिए। वही हम करेंगे हमारे सारे किसी को भी कोई भी प्रभु का बच्चों को भी कोई भी दिन कुछ भी कमी कटी नहीं रहेगा। कभी कभी हम प्रभु उधर तुम जाओ उधर मिलेगा करके प्रभु अगुवाई करेंगे तो हम बोलते हैं नहीं हम इधर ही रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं। कभी कभी देखिए कोई कोई काम करने बगैर भी घर में बैठते रहते हैं, मौका मिलता हो तो भी नहीं जाते हैं, मुझे ये काम पसंद नहीं है वो काम पसंद नहीं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। प्रभु के बच्चे लोग प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता हो तो प्रभु का अगुवाई के अनुसार आप काम कीजिए, जाके आपका हाथ लगाइए कमाइए, उसके बाद में उसमें एक भाग प्रभु के हाथ में दे दीजिए। पहले से जो प्रभु आपके लिए रखा है वो आपके वो आ जाएगा, आपका जरूरत को सब पूरा करने के लिए प्रभु आपका अगुवाई करके सब कुछ आपके लिए पूरा कर देंगे। यही है पक्षियों को देखने के लिए प्रभु बोला हुआ एक, हम कभी कभी एक ही जगह की ओर हम देखते रहते हैं, ये वो ये लोग हमें देंगे देंगे करके। मेरा जेठ सेवकाई करता था पहले, वो अभी नहीं है परमेश्वर के राज्य में चले गए। वो एक बार ऐसे बताता था सेवकाई शुरू करने का समय में वो इधर उधर वचन बांटने के लिए जाता था, तब कोई कोई कलश में कुछ भी नहीं देते थे, कोई कोई कलश में बहुत कम देते थे, उसका यात्रा करके आने के लिए जो खर्चा किया उससे भी कम वो लोग देते थे दान। तब उसको शुरू शुरू में उसको थोड़ा गुस्सा आता था, ये लोग क्यों नहीं जानते हैं मैं इतना यात्रा करके बस पैर डाल के आया हूँ फिर भी इतना थोड़ा दान देते हैं करके उसको थोड़ा दुख लगा था। लेकिन परमेश्वर उससे बात किया, मैं ये लोग के ऊपर तुम क्यों देखते हो, तुम्हारा जरूरतों को कई कई किसी रीति से भी मैं पूरा कर सकता हूँ, तुम मेरे मेरी ओर देखो मेरा ओर देखो। तब सिखाया तो मेरा जेठ बोल रहा था, उसके बाद में मैं इतना शांत हो गया मेरा दिल, कभी भी कहीं भी मैं जाता हूँ सेवकाई के लिए पूरा तैयार करके जाता हूँ, अच्छा से उसको वचन देता हूँ और जो भी वो सेवक जो भी देता है खुशी खुशी से मैं लेके उन सबको आशीष करके आ जाता हूँ। प्रभु मारे मेरे सारे जरूरतों को पूरा करते आया, कोई भी गट्टी मुझे नहीं उन्हें दिया करके वो मेरा जेठ एक बार गवाही बता रहा था। वही है हम हमारा आंख इधर उधर लोगों के ऊपर लगे रहता है तब हम निराश हो जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। प्रिय भाई बहनों पूरा हमारा आंखों को पर्वतों को ओर अब उठाइए, जो पृथ्वी आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए बना के रखे हैं, उससे हमें सब कुछ जरूर मिलेगा, प्रभु जरूर हमें देते। दुनिया में देखिएगा कुछ पैसा के लिए इतना लड़ाई झगड़ा, भाई लोग के बीच में इतना पूरा रिश्ता को भी तोड़ देते हैं, जलन ये सब क्यों आता है। दूसरा लोग अच्छा हो जाएगा तो जलन करते हैं, भाई अच्छा हो जाए तो जलन करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का अंग भाई का स्पर्श जो धन है उसका ऊपर है, इसलिए ऐसे हम विश्वासी लोग ऐसे नहीं रखना चाहिए। एक दूसरा भाई बहन एक दूसरा परिवार एक परिवार दूसरा परिवार के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। आपकी नजरिया हमेशा प्रभु की ओर लगे रहे, आप स्वर्ग राज्य के खोज में जाते रहिए, प्रभु जरूर आपके लिए जो चाहिए प्रभु पहले इसे तैयार करके रखे। एक बार मैं एक ऐसे गवाही सुनी, एक बहन वो सेवकाई में थी वो उसका परिवार बहुत कम पैसा उसको मिलता था, बहुत कष्ट के साथ वो थोड़ा जी रही थी पहले शुरू शुरू में, तब वो ऐसे प्रार्थना करती थी प्रभु मुझे पता है कई देशों में मेरे से भी बढ़कर बहुत कष्ट में प्रभु के बच्चे लोग हैं, बहुत गरीबाई में हैं, इसलिए मैं ये प्रार्थना करने के लिए भी मुझे शर्म आ रहा है, फिर भी मुझे ये जरूरत है प्रभु पूरा कीजिए करके कोई कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रही थी। बहुत शर्मिंदा होकर बहुत धीरे धीरे सोच सोच के प्रभु से मांग रही थी कोई कोई चीज को। तब एक दिन प्रभु से बात किया, प्रभु ने बोला है तुम ऐसे क्यों प्रार्थना करते हो, तुम ऐसे सोचते हो क्या, मैं जो उन देशों में जो जो दूसरा प्रभु के बच्चे लोग कष्ट उठा रहे हैं
वो लोग के देने बगैर उस पैसा को लेकर तुम्हें देता हूं क्या, ऐसा तुम सोच रहे हो, इसलिए तुम बार बार ऐसे प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे से बढ़कर बहुत कष्ट में वो लोग है, लेकिन ये मांगने के लिए मुझे शर्म आ रहा करके तुम पूछ रहे हो। उन लोगों को जो देना आ गए उसको लेकर तुम्हें मैं देता हूं, नहीं, तुम्हारे लिए जो भी जरूरत है सब कुछ मेरे पास है करके रखा हूं, तुम मांगो, हिम्मत से मांगो, तुम्हारे लिए जो भाग है मेरी ओर से तुम्हें मिलेगा, वो लोग का भाग को लेकर तुम्हें नहीं देता हूं करके प्रभु ने उसको सिखाया। उस दिन से वो हिम्मत के साथ जो भी उसके लिए जरूरत था प्रभु से मांगने के लिए, वो विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते देखते वो मांगी। आज भी है वो सेवकाई करने वाली वो बहन, आज भी पूरा विश्व में इतना बड़ा सेवकाई वो कर रही है, कुछ भी कमी नहीं है। कभी कभी पैसे के बारे में जो तत्व है परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसको हम अच्छा से समझ लेंगे तब हम, हमारे लिए कुछ भी कमी कटी नहीं रहेगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इस दुनिया छोड़कर हम जाएंगे तब उधर भी हम बहुत अच्छा से प्रभु के लिए जो जो हम इस दुनिया से भेजा है उधर खजाना, उधर प्रभु हमारे लिए बोला है ना स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करो, वो धन भी हमें मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। प्रिय भाई बहन सब लोग हम चिंता बगैर कोई कोई बेसिक नीड्स खाना पीना रखना और कुछ काम पढ़ाई के लिए पैसा, जो भी पैसा की जरूरत है प्रभु जानते हैं, सब कुछ प्रभु पहले से रखे हैं, केवल आपको उसका ऊपर विश्वास करते हुए आप जो कमाते हैं उसका ऊपर मैं नहीं विश्वास करता हूं प्रभु, आपका ऊपर ही विश्वास करता हूं करके आप सोच कर विश्वास करते हुए उस कमाई से एक भाग को प्रभु का दान में डालेंगे, वो ऐसे डालने का समय में प्रभु का आत्मा जो आपका अंदर है सही जगह में आपको अगुवाई करेगा, जगह से पहले से प्रभु आपके लिए रखे हैं वो आपके लिए अनुभव करने के लिए मिल जाएगा। यही नजरिया से हम इस वचनों को हम देखेंगे, प्रभु को देने के विषय में हम देंगे तो जरूर हम प्रभु की महिमा के लिए सब आशीष पाकर इस दुनिया में जी सकते हैं। प्रभु इन वचन के द्वारा आपको आशीष करें, आमीन।